एनसीईआरटी फोल्डर स्टार्ट कर रहे हैं हम। पहला क्वेश्चन है बेटे, व्हाट डज इलेक्ट्रिकल सर्किट मीन, मतलब इलेक्ट्रिकल सर्किट का मीन क्या होता है। मैं आपको लिखवा भी चुका हूँ क्या डेफिनेशन होती है, क्या क्या मतलब होता है। एक ऐसा क्लोज्ड और कंटिन्यूस पाथ होता है इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने के लिए, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने के लिए क्लोज एंड कंटिन्यूस पाथ होता है, ठीक है। उस कंटिन्यूस एंड क्लोज्ड पाथ को क्या कहते हैं अपन, इलेक्ट्रिकल सर्किट। क्लोज्ड एंड कंटिन्यूस पाथ ऑफ द फॉर फ्लोइंग करंट इसी को इलेक्ट्रिकल क्या कहते हैं अपन, सर्किट। इलेक्ट्रिकल सर्किट के बहुत सारे कंपोनेंट भी बताए थे, तो ध्यान से सुनना, देखिए ध्यान से। यहाँ पर इस सर्किट को अपन देखें तो यहाँ पर ये जो सर्किट है वो ओपन सर्किट है, खुला हुआ सर्किट है यहाँ पे, क्योंकि स्विच का है ऑफ, स्विच ऑफ, खुला हुआ सर्किट यहाँ से है, तो करंट यहाँ से इसके थ्रू यहाँ से लेंगे यहाँ तक नहीं आएगा, क्योंकि स्विच ऑफ है, ये दोनों वायर डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, मतलब एक दूसरे से दूर हट गए हैं, तो क्लोज पाथ नहीं बचाइए, क्लोज पाथ नहीं बचाइए, ओपन पाथ हो गया। किसको समझ में नहीं आ रहा है, आप चलते प्लीज। तो ये क्या हो गया, ओपन सर्किट हो गया। यहाँ ओपन सर्किट तो ओपन है लेकिन स्विच क्या है, स्विच ऑफ है, ऑफ स्विच है, लेकिन सर्किट कैसा हो गया, खुल गया, ओपन हो गया, तो यह करंट फ्लो नहीं होगा। यहाँ पर मैंने क्या कर दिया बताओ, स्विच ऑन कर दिया, तो स्विच ऑन करने से यहाँ पर ये दोनों वायर जुड़ जाएंगे और सर्किट क्या हो जाएगा, क्लोज, और पूरे कंडक्टर में, पूरे सर्किट में करंट फ्लो हो जाएगा। तो मैंने यही डेफिनेशन बोली, ठीक, आपको रिटर्न करवा चुका हूँ। द कंटिन्यूअस क्लोज एंड कंटिन्यूअस पाथ ऑफ द फ्लोइंग फॉर फ्लोइंग करंट, द क्लोज एंड कंटिन्यूअस पाथ फॉर फ्लोइंग करंट, दिस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिकल सर्किट। ओके, क्वेश्चन है, डिफाइन द सेकेंड यूनिट है एनसीईआरटी फोल्डर का, एनसीईआरटी फोल्डर सेकेंड क्वेश्चन, डिफाइन द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करना है। अब यहाँ पर यूनिट करंट लाने के लिए चार्ज की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी, बताएं, करंट को आई से इंडिकेट करते हैं, चार्ज को क्यू से और टाइम को किससे, टी से, और इसको किसमें मेजर करते हैं बताएं, एम्पीयर। अब सिंस चार्ज को कितना कंसीडर कर लेते हैं बताएं, एक कूलम, समझ में आ रहा बेटे, एक कूलम कंसीडर करते हैं, और टाइम की वैल्यू कितनी मैंने, तो यहाँ पर करंट की वैल्यू कितनी आएगी बताइए आप, करंट बराबर 1/1, और इधर एम्पियर आ गया, कहाँ से आया बेटे बताएं आपको, ये चार्ज की वैल्यू भी 1 रख दी और टाइम की वैल्यू भी 1/1 कितना हो गया बताइए, 1, और यहाँ पर 1 एम्पियर आ गया। कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए आप लोग, क्या मतलब हुआ, यदि एक सेकंड में एक एम्पियर, एक सेकंड में एक कूलम चार्ज फ्लो कर रहे हो आप, सेकंड भी लगा सकते हैं यहाँ पर, और ये कूलम, एक सेकंड में एक कूलम चार्ज अगर फ्लो हो रहा है, तब उसमें बहने वाले उस कंडक्टर में फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 एम्पियर। तो इंग्लिश में क्या डेफिनेशन होगी, इफ द 1 कूलम चार्ज इज फ्लो, 1 कूलम चार्ज इज फ्लो थ्रू एनी कंडक्टर इन 1 सेकंड, देन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू दैट कंडक्टर विल बी 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट। समझ आ रहा सभी को, एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग इन 1 कूलम चार्ज, एक कूलम चार्ज अगर लिया तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो बताना है बात करो, ठीक है। अब देखिए, एक कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से वो निकाल के दिखाने हैं, तो कैसे निकलेगा वो देखो आप, तो सिंस हम जानते हैं, देखिए 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू कितना चार्ज होता है बेटे, 1.6, सभी लोग बोलिए, -19 कूलम, एक इलेक्ट्रॉन बराबर इतना चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन बराबर इतना चार्ज, क्लियर। तो हम क्या कर रहे हैं, यहां पे इसको, इस चार्ज को इधर ले लेते हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इधर लिख लेते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, तो 1.6 इंटू 10^-19 कूलम इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन, सही बोल रहा हूँ बेटे, yes, ये देखिए इतना कूलम चार्ज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो अगर आपको जो है चार्ज अगर निकालना है, यहाँ पर एक कूलम अगर निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, इसको अपन, इसके अपॉन में लाना पड़ेगा,
यहाँ एक कूलाम बनाना, भाई बोल रहा ना एक कूलाम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ वन कूलाम लाने के लिए इस क्वांटिटी को कर लिया अपन अपॉन में, तो यहाँ पर वन कूलाम इक्वल टू, चलिए सी को कूलाम लिख दीजिए, वन कूलाम इक्वल टू वन अपॉन कितना रहेगा 1.6 इंटू 10 की पावर कितनी 19 इलेक्ट्रॉन, कोई तकलीफ तो नहीं बेटी। अब एक कूलाम चार्ज जो है, एक कूलाम चार्ज, अब जैसे इसको सॉल्व करोगे तो एक कूलाम चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाए, जैसे इसको सॉल्व करोगे फिर से देख लीजिए, एक इलेक्ट्रॉन बराबर होता है इतना कूलाम चार्ज, ठीक चल में आ रहा है इतने कूलाम चार्ज, और इसको आप इधर लिख दीजिए, इसको उधर, यहाँ वन कूलाम चार्ज अगर लाना है तो इसको आप अपन लिखेंगे, तो ये आ गया, तो यहाँ पर वन कूलाम चार्ज, अब वन कूलाम चार्ज को जैसे ही सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे तो वन कूलाम चार्ज में नंबर ऑफ क्या जाएंगे इलेक्ट्रॉन, आ रहा नहीं आ रहा है, बंद कर दीजिए, 1/1.6 यहाँ पर अलग कर दीजिए, और प्लस 19 पावर ऊपर जाकर क्या हो जाएगी बताएं, माइनस 9 सॉरी प्लस 19 पावर हो जाएगी, प्लस को नहीं लिखिए तो भी चलेगा यहाँ पे, अब 1/1.6 डिवाइड करें तो यहाँ पर पॉइंट हटाने के लिए ऊपर क्या हो जाएगा जीरो जाएगा, 10/16 बच जाएगा, तो 10/16 कितना जाएगा 16 और इंटू 10 और माइनस 19 को लाम, अब यहाँ पे प्लस 19 सॉरी इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन चले देना, आप 10 को 16 से डिवाइड करेंगे, ठीक है 10 को 16 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर जब इसको डिवाइड करोगे तो 0. कितना जाएगा 62 आ जाएगा, और इनटू 10 की पावर कितनी, इसको 10 की पावर मतलब 10 की पावर 18 कर दीजिए बेटे, ये एक बार ना आपको अलग अलग कर दीजिए, 10 की पावर 1 10 की पावर 18 19 को ऐसा ले सकते हैं, जब इस 10 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दोगे तो 6.2 आंसर आ जाएगा, तो 10 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे 6.2 इंटू 10 की पावर कितनी बेटे 18 इलेक्ट्रॉन्स, 18 इलेक्ट्रॉन्स ये आंसर है। क्वेश्चन 4 एनसीईआरटी फोल्डर क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है देखिए, नेम द डिवाइस विच हेल्प्स टू मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर, एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है उसके दो कंडक्टर के दोनों पॉइंटों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए कौन से डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं, वोल्ट मीटर की बैटरी, बैटरी आपने पढ़ लिया इसलिए बैटरी का यूज करते हैं, क्यों बैटरी ही अप्लाई करोगे तब जाके दोनों कंडक्टर के दोनों पॉइंटों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, ठीक समझ में आ रहा है, बैटरी या सेल अप्लाई नहीं करोगे तो कंडक्टर के दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा, आ रहा नहीं आ रहा है, ज्यादा पावरफुल बैटरी लगाओगे उसके दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा और फ्लो ऑफ करंट की वैल्यू भी क्या होती जाएगी बढ़ती जाएगी, क्लियर हुआ सभी को,